नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में एक बार फिर आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। लालू यादव को मिली जमानत से खुश है लालू परिवार। कोविड 19 पर सर्वदलीय मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया बयान। सर्वदलीय बैठक में अलग अलग नेताओं ने रखी अलग अलग मांग। जदयू कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह से की अपील। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी में जल्द ही होगी ट्रेनी इंजीनियर की बहाली। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 50 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंजीनियर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे छात्र या इंजीनियरिंग पूरी कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखें कि आवेदन 6 मई से पहले करना है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी सारी जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसके बाद अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.ntpccareers.net पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार में एक बार फिर आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। कोविड 19 के मामलों ने बिहार में परेशानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 7,870 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में मरीजों की संख्या 39,497 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 71, अलवर में 94, औरंगाबाद में 215, बांका में 74, बेगूसराय में 326, भागलपुर में 322, भोजपुर में 138, बक्सर में 100, दरभंगा में 60, ईस्ट चंपारण में 149, गया में 610, गोपालगंज में 147, जमुई में 103, जहानाबाद में 186, कैमूर में 25, कटिहार में 70, खगड़िया में 31, किशनगंज में 18, लखीसराय में 102, मधेपुरा में 110, मधुबनी में 127, मुंगेर में 255, मुजफ्फरपुर में 541, नालंदा में 109, नवादा में 115, पटना में 1898, पूर्णिया में 153, रोहतास में 188, सहरसा में 247, समस्तीपुर में 143, सारण में 256, शेखपुरा में 103, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 42, सिवान में 188, सुपौल में 61, वैशाली में 167, वेस्ट चंपारण में 269 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 37 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो कि दूसरे राज्यों के हैं, मगर उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1804 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद बिहार में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,74,207 पर पहुंच गई है। लालू यादव को मिली जमानत से खुश है लालू परिवार। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बीते दिन जमानत दे दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि इन सब के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके तहत जमानत के दौरान लालू हाईकोर्ट से प्रवेश करने के बिना ही देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। वो अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदल सकेंगे। राज्य सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने पर मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम नहीं बल्कि उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। लालू जी गरीबों के मसीहा है। जमानत आज मिलेगी, कल मिलेगी, हम लोग रोज यही कामना करते हैं, लेकिन हम सभी को अदालत पर भरोसा था। आधे से ज्यादा सजा भी काट चुके थे, कोर्ट से उन्हें जमानत दिया गया है। बीते दिन बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अलग अलग नेताओं ने रखी अलग अलग मांग। शनिवार के दिन सर्वदलीय बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें बिहार में बढ़ रहे कोविड 19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत भाजपा ने वीकेंड लॉकडाउन की मांग की है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन किए जाने की मांग रखी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रमंडल में डेडिकेटेड कोविड 19 अस्पताल बनाए जाने की मांग की है। साथ ही इलाज में लगे मेडिकल स्टाफ को 3 महीने का एडवांस वेतन दिए जाने की बात भी कही है। खबरों की माने तो तेजस्वी यादव ने इस बैठक में कुल मिलाकर 30 सुझाव दिए। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में कोरोना की स्थिति महाराष्ट्र जैसे बेकाबू ना हो, इसको लेकर राज्य में जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाया जाए। कोविड 19 पर सर्वदलीय मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया बयान। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय मीटिंग का आयोजन करवाया था। राज्यपाल की अध्यक्षता में चल रहे सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि रविवार को एक और बैठक होगी। इसके बाद जो निर्णय लिए जाएंगे उसका ऐलान दोपहर बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज की बैठक में सभी दलों के नेताओं ने अपनी राय दी है और अब दिए गए सुझाव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप समीक्षा करेगी। इसके साथ ही आज सभी जिले के डीएम के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, पर पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बिहार के सभी विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अलग से खुलेगा विभाग। शिक्षकों की गुणवत्ता को बेहतर रखने के लिए सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षा विभाग जल्द ही नए विभाग की स्थापना करने वाली है, जो शिक्षा में बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री प्रदान करेगा और साथ ही टीईटी के दायरे को विस्तृत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसमें विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा के साथ साक्षात्कार भी लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि नई शिक्षा नीति में सभी विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग अलग से खोलने का प्रावधान किया गया है। इसी के आलोक में विभाग के स्तर से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
ऑक्सीजन को लेकर प्रधान सचिव ने जारी किया अपना बयान। बिहार में कोविड 19 का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निगरानी रखने के लिए खास कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। विभाग के विशेष सचिव अरविंद सिंह का नेतृत्व करने वाली है और उनकी टीम में उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, औषधि महानियंत्रक को शामिल किया गया है। विधानसभा के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बोकारो और जमशेदपुर में भी कर दी गई है। बिहार में इस बार औसत से कम बारिश होने का अनुमान। सूबे बिहार में इस बार बारिश किसानों की चिंता बढ़ा सकती है। एक तरफ देश भर में मौसम विभाग ने लगातार तीसरे साल भी सामान्य मॉनसून यानी कि 96 से 104 cm बारिश होने की घोषणा की है। इसके साथ ही देश भर में 98 cm बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार में मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कम मॉनसून होने की बात कही है। यह अनुमान प्राथमिक स्तर की बारिश के लिए लगाया गया है। वहीं पटना मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के सभी हिस्से में बारिश का सही अनुमान मई के अंत सप्ताह तक जारी किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मनोज भावुक की। मनोज भावुक भोजपुरी भाषा के एक भारतीय कवि, अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और स्क्रीन लेखक है। उन्होंने कई किताबों को लिखा है और 2006 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और अपने गजल संग्रह तस्वीर जिंदगी के लिए उन्हें व्यापक रूप से भोजपुरी सिनेमा के विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। वो एक भोजपुरी फिल्म समीक्षक है और उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की भोजपुरी शैली में अभिनय किया है। भावुक जून 2016 से एक लेखक के रूप में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड जील के साथ जुड़े हुए हैं। वो टाइम्स नाउ हिंदी के लिए मीडिया कंसल्टेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गंगा पाथवे पर जुलाई अंत तक दौड़ने लगेंगे वाहन। दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक गंगा पाथवे पर जुलाई से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि सड़क को हर हाल में जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर तक 6 लेन गंगापुर के निर्माण का काम 2024 तक पूरा करवाने की बात कही गई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कंकड़बाग से महात्मा गांधी सेतु से होकर जाने वाले वाहन एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से दीघा होकर जेपी सेतु के माध्यम से गंगा पार जा सकेंगे। इससे पटना शहर के बड़े हिस्से को जाम से निजात मिलेगा। बिहार के एक और आईएएस हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अब उसकी चपेट में वीआईपी लोग भी आने लगे हैं। मंत्री और विधायकों के अलावा आईएएस अफसर भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी क्रम में गया के डीएम आईएएस अभिषेक सिंह भी संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही गया सिविल लाइन के 11 पुलिसकर्मी भी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों की माने तो गया के डीएम अभिषेक सिंह कई दिनों से तबियत खराब की शिकायत कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपना कोविड 19 जांच करवाए शनिवार को आई रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने की बात साझा की है। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद राजद नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से की अपील। शनिवार का दिन राजद के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उनके मुखिया लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है, जिसके बाद राजद नेतृत्व की तरह से कार्यकर्ताओं से भी खास अपील की गई है, जिसके तहत राजद की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। सभी शुभचिंतक, समर्थक और कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह किया जाता है कि कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी अपने घरों में ही रहे, किसी प्रकार का कोई भी जश्न नहीं मनाए। आपसे विशेष आग्रह है कि पटना से आवास पर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ जमा ना करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोविड 19 के चलते विगत कई दिनों से मुलाकातियों से भी नहीं मिल रहे हैं। चिराग ने पार्टी की केंद्रीय टीम का किया विस्तार। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान धीरे धीरे करके पार्टी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान ने बीते दिन लोजपा की केंद्रीय टीम का विस्तार कर दिया है, जिसके तहत कुछ नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक रविन्द्र यादव और पार्टी से प्रत्याशी राय विजय कुमार सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया है। पार्टी के वफादार और तेज तर्रार निडर काम करने वाले पूर्व प्रधान महासचिव पद पर काम कर चुके नेता शाहनवाज को भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाकर संदेश दिया गया है कि पार्टी में उनकी अहमियत बरकरार है। इसके साथ ही अन्य विधायकों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जदयू कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह से की अपील। बिहार में कोविड 19 के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। इसी बीच हाल ही में जदयू कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह से एक खास अपील की, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोविड 19 प्रभावित और उनके परिजनों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में अभूतपूर्व काम किया है। सरकार पूरी तत्परता के साथ अपना दायित्व निभा रही है। सरकार के साथ साथ हमारे संगठन का भी दायित्व बनता है कि सरकार के राहत कार्यों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में हाथ बटाए। इसके अलावा अपने स्तर से भी आसपास के लोगों की हर संभव मदद करें।
कोरोना के बावजूद नहीं टूटा निरहुआ का हौसला। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ इन दिनों कोविड 19 की चपेट में है, लेकिन अभी भी उनके हौसले बुलंद है। वो कोविड 19 से डर नहीं रहे बल्कि उनका डटकर सामना कर रहे हैं। वो इन दिनों क्वारंटीन में है। हालांकि क्वारंटीन में रहने के बावजूद वो बीते दिनों सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म आए हम बाराती बारात लेके का प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बीते दिन अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मानछी द माउंटेन मैन के एक डायलॉग पर एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जारी किए गए इस वीडियो में निरहुआ ने मास्क लगाया हुआ है और वो होम क्वारंटीन में नजर आ रहे हैं। लोजपा सांसद वीना देवी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन आ रहे कोविड 19 के मामले अब डराने लगे हैं। इसी बीच लोजपा सांसद वीना देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हाल ही में एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अगस्त 2020 में जो बिहार के मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा परिसर में 500 बेड के कोविड 19 अस्पताल की स्थापना करवाई गई थी, उसे दोबारा से शुरू करने की बात कही है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल के बन जाने से कई लोगों की जान बचाई गई थी। संक्रमण कम होने के बाद डॉक्टरों की टीम वापस चली गई। दुर्भाग्य से कोविड 19 की दूसरी लहर भयावह रूप लेती जा रही है। मरीजों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण बेड नहीं मिल रहा है। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच ऑक्सीजन प्रबंधन में जुटी सरकार। बिहार में कोविड संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, जिसके कारण ही ऑक्सीजन की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब सरकार ने ऑक्सीजन का प्रबंधन दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत ही उद्योग और स्वास्थ्य विभाग के अलावा प्रशासन और पुलिस भी अब जी जान से लग गई है। इसके तहत परिवहन विभाग की भी मदद इसमें ली जा रही है। इंडस्ट्रियल सप्लाई रोककर पहले सारे ऑक्सीजन को मरीजों के इलाज में प्रयोग किया जाएगा। इस काम को पूरा परिवहन विभाग की मदद से किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कॉन्फ्रेट के लिक्विड नाइट्रोजन गैस वाले टैंकरों को भी इसके प्रयोग में लाया जाएगा। प्रशासन अन्य टैंकरों की व्यवस्था लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करने के लिए करेगी। कोरोना को लेकर सभी जिलों में शुरू हुआ मास्क जांच अभियान। कोरोना को लेकर सभी जिलों में एक बार फिर से मास्क जांच अभियान की शुरुआत कर दी गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा नियमों का 100% पालन करें। इस दौरान बिना मास्क लगाए सफर करने वाले यात्रियों को मास्क लगाना सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, वाहन चालकों को निर्देश दिया गया है कि खुद के साथ सभी यात्रियों को मास्क लगवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही क्षमता के आधे सीट पर ही यात्रियों को लेकर चलने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पकड़ा गया फर्जी आईपीएस। बिहार में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को पकड़ा गया है। सदर डीएसपी ने बताया है कि युवक नौकरी देने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी कर चुका है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार थाने में एक महिला ने आवेदन किया था कि एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे ठगी की है। इस आवेदन के आलोक में छानबीन शुरू की गई। वो व्यक्ति महिला के मामा का फर्जी नियुक्ति पत्र देने आया। उसी समय उसे बिहार थाना इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इलाके में उसके घर पर छापेमारी की गई तो आईपीएस अधिकारी की वर्दी और कई सामान मिले। कोरोना की स्थिति को देखते हुए बिहार कांग्रेस कार्यालय पर लगा ताला। बिहार में कोरोना की स्थिति खराब होती जा रही है। हालांकि स्थिति खराब होने के कारण बिहार के कई राजनीतिक दल ने पहले ही अपने कार्यालय पर ताला लगा दिया है। वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने कार्यालय को कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बंद कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कांग्रेस के राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित पूरे राज्य में जिला कार्यालयों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आदेश दिया है। जमानत के बावजूद लालू यादव को पटना आने में लगेगा वक्त। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। हालांकि इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव अभी पटना नहीं आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संकेत दिया कि लालू यादव अभी पटना नहीं लौट रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जमानत मिलने से हम सब खुश हैं, किंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर भी हम उतने ही चिंतित हैं। खुशी इस बात की है कि अब मेरे पिता बाहर आ जाएंगे, लेकिन चिंता इस बात की है कि वे कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। लालू यादव की जमानत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने दी प्रतिक्रिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पक्की हो चुकी है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत जब उनसे पूछा गया कि लालू यादव को जमानत दे दी गई है, ऐसे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये सब होते रहता है, कोर्ट की प्रक्रिया, इस पर क्या कहा जा सकता है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलना उनके परिवार को सुकून देने वाला है, लेकिन उनके अति उत्साही समर्थक यदि जश्न के बहाने सड़कों पर तेल पिलाई लाठी लेकर निकलेंगे, इस पर राजनीति करेंगे, तो उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की छूट नहीं दी जा सकती। आरटीजीएस सर्विस को लेकर रिजर्व बैंक ने जारी किया अलर्ट। आरटीजीएस सेवाओं का उपयोग करने वाले आम नागरिकों के लिए अहम सूचना भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में जारी करते हुए ट्वीट कर सूचित किया है कि 1 लाख और 2 लाख रुपए से अधिक राशि भेजने के लिए उपयोग होने वाली आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सर्विस शनिवार 17 अप्रैल की मध्य रात्रि से 14 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। ग्राहक 18 अप्रैल की दोपहर 2 बजे के बाद ही सेवा का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरटीजीएस सिस्टम के डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए इनका टेक्निकल अपग्रेडेशन किया
जा रहा है, इसलिए यह सर्विस 14 घंटे की अनुपलब्धता के साथ मौजूद रहेगी। वहीं इस दौरान NEFT सेवा काम करती रहेगी। अब बस एक कॉल में ही आधार से जुड़ी समस्या का होगा निदान। अगर आपके आधार में कोई भी चीज गलत है तो ये बात आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अपडेट के अलावा भी अगर आपको आधार से जुड़ी कोई समस्या है तो आप अब सिर्फ एक कॉल कर अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए UIDAI ने 1947 हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस पर कॉल आप करके अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। आधार की यह सर्विस 12 भाषाओं में उपलब्ध है। इन 12 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असम और उर्दू शामिल है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से अहम माना जाता है। आज ही के दिन 1612 में मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज से निकाह किया था। देश में आजादी की अलख जगाने वाले तात्या टोपे को 1857 में आजादी की पहली क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने पर 1859 में फांसी की सजा दे दी गई थी। 1917 में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के लिए बिहार के चंपारण का चयन आज ही के दिन किया था। 1971 में भारत का पहला जम्बो जेट बोइंग 747 बम्बई आज ही के दिन पहुंचा। इसे सम्राट अशोक नाम दिया गया। 1978 में आधुनिक नई दिल्ली का निर्माण करने वाली शोभा सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा था। साल 1991 में केरल को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू कुमार, प्रभात सिंह, विराट कुमार, अजय कुमार, संजय सिंह, सूरज कुमार, रीना पासवान, शंकर मुखिया, धनंजय कुमार, कविता कुमारी, मोहम्मद इरफान, काजल सिंह, प्रियांक कुमार, कौशल कुमार, विकी कुमार, रवि कुमार, सूरज सिंह, मंटू कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कुमार विश्वास। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद राजद बिहार में और मजबूत होकर उभरेगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।